देखिए महाराष्ट्र का सत्र आज चालू हो रहा है। ये सरकार चर्चा से भागने वाली सरकार है। मात्र एक दिन का अधिवेशन इन्होंने लिया, उसमें भी केवल 6 घंटे चर्चा होगी, उसमें भी 10 बिल उन्होंने डाल दिए ताकि किसानों के विषय पर, मराठा आरक्षण के विषय पर, ओबीसी के विषय पर चर्चा ही न हो। इस प्रकार का ये दाव खेलने का प्रयास इस सरकार की ओर से हो रहा है। लेकिन विपक्ष के रूप में हमने तय किया है कि राज्य में किसानों की परिस्थिति बहुत खराब है, किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला है, पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। और इसलिए हमने ये तय किया है कि इस प्रकार से किसानों पर अन्याय करने वाली, मराठा समाज पर, ओबीसी समाज पर अन्याय करने वाली जो सरकार है, इस सरकार के खिलाफ हम आवाज बुलंद करेंगे। कल सीएम ने कहा कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वहां पर आपातकाल जैसी परिस्थिति है और अपोजिशन यहां के किसानों की बात कर रहा है। दिल्ली में देखिए, मैं तो मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली क्यों देखते हो? अपने देश में, अपने प्रांत में देखिए, महाराष्ट्र में रोज किसान मर रहे हैं, उनकी आत्महत्या हो रही है, महाराष्ट्र के किसान की फसल पूरी बर्बाद हो गई, एक नए पैसे की मदद दी नहीं है। वहां तो कम से कम किसानों के आंदोलन को चलने दिया जा रहा है, या मराठा समाज का आंदोलन घोषित हुआ तो घर में जा जाकर मार रहे हैं, घर से पकड़ के ले जा रहे हैं, लोगों को बंद कर रहे हैं। ये एक प्रकार से हम ये कहते हैं कि यह आपातकाल।